आदित्य आवाज मिल रही है सर? मैं शिक्षागंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जगमोदी में खड़ा हुआ हूँ। लोगों का आना शुरू हो गया है, बुजुर्ग भी सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे और अपना मतदान करके वहाँ भी जा चुके हैं और लगातार युवाओं महिलाएं को आना शुरू हो गया है और वो वोट मतदान करने के लिए तैयार है। सिरसागंज के जगमोदी में हम इस टाइम मौजूद है जी। सिरसागंज के जगमोदी गांव में अभी हम मौजूद हैं जी। सुबह से ही बुजुर्गों युवाओं और महिलाओं का आना प्रारंभ हो गया है, वह अपने मत का प्रयोग कर रही है। सिरसागंज के से जुड़ी ग्राम जगमोदी का यह नजारा हम आपको दिखा रहे हैं जी। सिरसागंज में दोनों पार्टियों की 50% की टक्कर है। देखिए सिरसागंज के जगमोदी गांव का यह पोलिंग बूथ है, अर्धसैनिक बल भी लगा हुआ, कुछ बुजुर्ग महिला भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए वहां जा रही हैं, महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं जी जी जी। ये सिरसागंज के जगमोदी का पिंक बूथ है, अब देख प्राइमरी स्कूल है ये जी। सिरसागंज का के जगमोदी का यह पिंक बूथ बनाया गया जी जी महिलाओं की लाइन लगी हुई है जी जी। जी ये कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं जी। क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। शकुंतला जी, महंगाई की बात की जाए कि सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं, तो आप इस बार किस आधार पर वोट कर रही हैं, क्या मानती हैं? हमारी तो इच्छा है उन्हें देंगे, मोदी जी को देंगे और क्या है, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा किया, क्या है हमारे लिए क्या क्या है, बहुत अच्छा किया। अच्छा आपका क्या नाम है, आप क्या मानती हैं? मीरा। मीरा जी किस आधार पर इस बार आप वोट करने आई हैं मतदान के? अरे मुझे बहुत अच्छा लगा अपने का प्रोग्राम, सब सुविधा दी है उन्होंने, राशन वगैरह कॉलोनी वगैरह मेरे का काम अच्छा लगा मुझे। देखिए किस तरीके से महिलाएं बता रही हैं, उन्होंने अपने मत का प्रयोग करने के लिए वहाँ मतदान केंद्र पर पहुंची हैं और उन्होंने सरकार द्वारा जो योजनाएं थी उनका भी लाभ मिला है। सिरसागंज के जगमोदी का यह मतदान केंद्र है और पिंक बूथ बनाया गया है प्राइमरी स्कूल। जी 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 कुछ कुछ युवा महिला हमारे बीच मौजूद, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप युवा हैं, किस आधार पर सर आप वोट करने आई हैं? किस आधार पर सर आप वोट करने आई हैं, क्या आपके मन में है? मैं तो जी को सपोर्ट करूंगी जो नीतिक अच्छे से चलाए। अच्छा महंगाई को लेके आप क्या आपके मन में है, किस आधार पर आप वोट करने आएंगे यहाँ पे? हम तो इतना ही जानते हैं घर है, उसी को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए किस तरीके से बता रही थी कि जो राजनीति अच्छी चला रहा है, जो लोगों को सुविधा दे रहा है, उसी आधार पर वो वोट करने मची है और लगातार मतदान की प्रक्रिया चालू है।
देखिए सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से पार्टी में लगी हुई थी, और बात की जाए पार्टियों की तो हर तरीके से 50-50% का दोनों मुकाबला दिलचस्प इस बार सिरसागंज विधानसभा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया बूथ बनाया गया है, पिंक बूथ, बुजुर्ग महिलाएं युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला भी यहाँ से मतदान करके वो अपने घर की तरफ जा रही है। बुजुर्ग महिला मतदान करके बूथ पर है, हमारे साथ मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति जी, किस आधार पे इस बार आपकी? हमारी उम्र 75 साल है। 75 वर्ष आपकी उम्र डालने के लिए। क्या मन है? क्या मन में है आपके? कैसी मन में? मतदान केंद्र पे आई है, क्या आपके मन में चल रहा है? जी चल रहा होगा, मोदी को वोट दो। वृद्ध महिला, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो सुरक्षा के आधार पर मतदान करने यहाँ पर पहुंची है, और उनकी 75 वर्ष की उम्र है। सिरसागंज के जगमोदी का यह हम आपको नजारा दिखा रहे हैं।